हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एक ईसाई फकीर हुए, क्रिश्चियन फकीर, उनका नाम एक हार्ट था। उसने एक बड़ी अनोखी बात कही है। उन्होंने कहा है, संत वही है जिसे हर चीज चौंका दे, हर चीज छोटी छोटी घटनाएं जिसे चौंका देती है। पानी में पत्थर गिरता है, आवाज आती है, लहरें उठता है, संत को चौंका देती है। ये इतना विस्मयपूर्ण है, इतना रहस्यपूर्ण है। संत श्वास लेता है, जीता है, ये भी काफी चौंकाने वाला है। एक हार्ट रोज सुबह की प्रार्थना में परमात्मा ईश्वर को कहते थे, आज फिर सुबह हुई, आज फिर सूरज उगा, तेरी लीला अपार है, ना उगता तो क्या करते, क्या उपाय था, आदमी बेबस है। एक हार्ट कहता था, आज सांस आती है, कल ना आए क्या करूंगा, तुम सांस ले तो ना सकोगे, सांस तुम्हारे बस में तो नहीं है, इतने पास हैं श्वास, फिर भी तुम उसके मालिक नहीं। गई बाहर है ना लौटी तो नहीं लौटेगी, इतने पास जो है उसके भी हम ज्ञाता और मालिक नहीं है। और ख्याल हमें यह है कि हम सब कुछ जानते हैं, तुम्हारे सब जानने में ही तुम्हें मारा है, तुम्हारे सब कुछ जानने में ही उसी ने तुम्हें मार डाला है। इस कचरे को हटा दो और हल्के हो जाओ, तत्क्षण तुम्हारी आंखें जब ज्ञान से ना भरी होंगी तब रहस्यम से भर जाएंगी। उस रहस्य की अंतर यात्रा का नाम विस्मय है, वही यात्रा का नाम आश्चर्य है। आदमी की सबसे करीब चीज उसकी श्वास है, उसकी सांस है, और वे उस सांस का मालिक नहीं, तो और किस चीज के ऊपर तुम अपनी मालिक की यातना करोगे? मालिक कैसे बन सकते हो किसी और चीज के? तो अगर वही यात्रा का नाम आश्चर्य है, उस रहस्य को तुमने पदार्थों पर लगा दिया तो तुम एक वैज्ञानिक हो जाओगे। अगर उस रहस्य को तुमने स्वयं की सत्ता पर लगा दिया तो तुम एक महायोगी हो जाओगे, और दोनों के परिणाम भिन्न होंगे, क्योंकि आश्चर्य हिंसात्मक है, विस्मय अहिंसात्मक है। आश्चर्य जिस तरफ लग जाता है उसे तोड़ने लगता है, विश्लेषण करता है, क्योंकि आश्चर्य में एक बेचैनी है, विस्मय में एक रस है। इस फर्क को भी उसने ठीक से समझाया, शब्दकोश में वे नहीं लिखा। आश्चर्य हिंसात्मक है, आक्रामक है। तुम जिस चीज के प्रति आश्चर्य से भरते हो, एक तनाव पैदा हो जाता है, उस तनाव को हल करना ही पड़ेगा। जब तक वे जिज्ञासा पूरी ना हो जाएगी, तब तक तुम जान ना लोगे, तब तक एक बेचैनी तुम्हारे सिर पर सवार रहेगी। वे जो वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में लगा रहता है 18-18 घंटे, वे किस लिए लगा है? एक बेचैनी है, जैसे कि किसी भूत प्रेत ने उसको पकड़ लिया है, और जब तक वे उसको हल ना कर लेगा तब तक वे लगा ही रहेगा। लेकिन विस्मय आक्रामक नहीं, और विस्मय एक बेचैनी नहीं, बल्कि विस्मय एक विश्राम है। जब कोई व्यक्ति विस्मय से भरता है तो एकदम विश्राम से भर जाता है। विस्मय को मिटाना नहीं है, विस्मय को पीना है, विस्मय का स्वाद लेना है, विस्मय में लीन हो जाना है, एक हो जाना है। आश्चर्य मिटाने में लग जाता है, विस्मय जीने में लग जाता है। विस्मय जीवन की एक शैली है, आश्चर्य मनुष्य का एक हिंसात्मक रूप है। इसलिए विज्ञान विजय की भाषा में सोचता है, तोड़ो फोड़ो जीतो,
धर्म समर्पण की भाषा में सोचता है। अपने को खो दो। जब तुम्हारे भीतर विस्मय का प्रवेश होगा तो विस्मय तुम में इस तरह लीन हो जाएगा जैसे तुमने नमक की डली पानी में डाल दी और सारा पानी खारा हो गया। जिस दिन तुम विस्मय से भरोगे उस दिन तुम विस्मय से खारे हो जाओगे। रोआ रोआ विस्मय से भर जाएगा, रोम रोम विस्मय से भर जाएगा। उठोगे तो विस्मय, बैठोगे तो विस्मय, तुम सदा चौंके रहोगे। हर चीज रहस्य पूर्ण हो जाएगी, खत्म भी विराट का हिस्सा हो जाएगा। क्योंकि जब छे में भी विस्मय जुड़ जाता है तो छे भी विराट हो जाता है। तब जाना हुआ कुछ भी नहीं रहता, सभी तरफ रहस्य तुम्हें घेरे हुए हैं। तब प्रतिपल नया हो रहा है और प्रतिपल निमंत्रण दे रहा है। विस्मय एक आमंत्रण है। इसीलिए एक हाट ने कहा कि असली फकीर असली संत वो है जिसे हर चीज चुका दे, हर छोटी छोटी घटनाएं जिसे चुका देती हैं। पानी में पत्थर गिरता है, आवाज आती है, लहरें उठती हैं, संत चौंक जाता है। वही असली फकीर है, वही असली साधना में डूबा हुआ संत है। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ ये बातें अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबको मेरा धन्यवाद, सबको प्रणाम दोस्तों।